जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम। गुरु जी के प्यारी प्यारी संगत को प्रणाम। गुरु जी का लख लख शुक्राना। और एक बार फिर गुरु जी ने आप लोगों के समक्ष रूबरू होने के लिए एक प्यार भरा आमंत्रित तरण दिया है, तो जितना भी उस गुरु का, गुरु महाराज का शुक्राना किया जाए कम है। मैं इतना ही कहूँगा, इकते पैरों नंगी फिर दे, सिर ते मंगन छावा, सब कुछ दिता दाता, मैं क्यों ना शुक्र मनावा। मुझे नहीं पता वो कौन सी घड़ी थी, वो कौन सा समय था जिस समय गुरु महाराज ने बुलाया था मुझे। उस टाइम मैं एक छोटे से बिजनेस में जुड़ा हुआ था, इलेक्ट्रॉनिक्स के और रेस्टोरेंट के। हालात बड़े बस थे, परेशानियाँ ही परेशानियाँ, पैसे की, फैमिली की, इतनी परेशानियाँ थी मेरी लाइफ में कि मुझे समझ नहीं आता था। हर वेले में मौत मांगता था। और जुड़ना कैसे हुआ मेरा, उस टाइम ये मैदान गढ़ी विलेज होता था, ये इंदिरा ओपन यूनिवर्सिटी ढूंढ रही थी, मैं सन 90 की बात बता रहा हूँ। तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस था, तो उस गांव में मैदान गढ़ी के अंदर टीवी इंस्टॉल कराने जाता था अपने स्टाफ के साथ। कुछ नहीं पता था, ये सारा जंगल था, कभी सोचा भी नहीं था ऐसे गुरुजी मिलेंगे, मैं जुड़ूंगा और मेरे मुझे हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। तो एक अंकल मेरे पास आए, यूसुफ सराय शॉप थी जहाँ हमारी, तो वहाँ बैठा था वो। आए तो उन्होंने थोड़ा सा बताया, मगर मैंने ऐसे किसी बाबा बाबा के चक्करों में पढ़ने, क्योंकि मैंने कोई उससे पहले जगह नहीं छोड़ी थी, मगर मेरी समस्या का हल मुझे कहीं नहीं मिल रहा था। तो मैंने सुना, इधर से अनसुना कर दिया। छोटा सा परिवार में जब कहीं सोचता था जाने के लिए सुनना पड़ता था, तो इन चक्करों में पड़ जाता है बाबू बाबू के, कहीं से कोई रास्ता नहीं। मेहनत तो गुरु जी करवाते थे, मगर उतना अच्छा परिणाम नहीं मिलता था जितना चाहिए था। समय बीतता गया, हालात बसते बस होते रहे, यहाँ तक मेरे हालात पहुँच गए कि सारे बच्चे पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे, उनकी फीस देने के पैसे नहीं होते थे। तो एक समय आया जब मैंने बच्चों के स्कूल में जाके, गौतम नगर में फादर एग्नल स्कूल में पढ़ते थे, तो वहाँ जाके फादर से रिक्वेस्ट की कि मैं बच्चों की अब फीस नहीं दे सकता और मेरे से वजन उठाया नहीं जाएगा, तो मेरे को बच्चों का TC दे दो कि मैं इनको किसी गवर्नमेंट स्कूल में डाल दूँ। आंटी के पास जॉब भी नहीं थी, बिजनेस इतना चल नहीं रहा था, फाइनेंशली हालात ख़राब थे। गुरु जी का नाम जरूर लेता था, जाता नहीं था, बहुत कम, एक आध दो बार एम्पायर स्टेट गया था उन्हीं अंकल के साथ। तो वहाँ गया तो वहाँ फादर जो हैं वो क्रिश्चियन मिशनरी से थे, और क्रिश्चियन मिशनरी का वो स्कूल है, तो उन्होंने भी देखा मेरे आगे बिजनेस था, तो एक टाइम तो ठीक था, आज ये क्या हुआ। तो मैंने उनको बात बताई, तो उनको जब उन्होंने मेरे से बात की कि फीस नहीं दे सकता, TC दे दूँ, तो उन्होंने कहा तू कौन है इन बच्चों का TC लेने वाले। तो वो मुझे ऐसे लगा मेरे गुरु महाराज बोल रहे हैं, कहते हैं बच्चे तो हमारे हैं, आपको तो सिर्फ कस्टोडियन रखा हुआ है, आप इनके परवरिश करो, देखो देखभाल, हम TC नहीं देंगे। मैंने कहा मैं फीस नहीं दे पाऊँगा तो कैसे गाड़ी चलेगी। तो उन्होंने मुझे एक ही बात कही कि आप इनकी जो क्वार्टर की बस फी है, उस टाइम पे 150 रुपये होती थी, 450 रुपये मुझे 3 बच्चों के देने पड़ते थे, तो कहते हैं वो देते रहो और बच्चों की एजुकेशन है वो कंटिन्यू, क्योंकि बच्चे बड़े इंटेलिजेंट थे। ठीक है, चलता रहा सिलसिला, चलता रहा कई साल तक। बच्चे जो TC लेने का मेरा जो चैप्टर शुरू हुआ, तो वहाँ से तो ये लगा कि फादर नहीं, वो गुरु महाराज बोल रहे थे, उनका मैसेज था कि TC नहीं देना। उसका रिजल्ट हुआ कि बच्चे धीरे धीरे पढ़ गए। उसके बाद फिर जैसे उनको गुरु महाराज को याद किया, मैं मिला, गया माथा टेका,
तुम का एक ही था कि जा अपने परिवार की देख, अपना बिजनेस देख, मैं सब ठीक कर दूंगा। इच्छा थी सेवा करने की, मन में मांग नहीं सका क्योंकि उस टाइम मांग के लिए मना किया हुआ था। तो उन्होंने यही था मैसेज कि वक्त आते सब ठीक हो जाएगा। सबसे पहले मेरी आंटी को उन्होंने जॉब दी, कोई जॉब भी ऐसी दी, गवर्नमेंट जॉब टीचर की, उनका इशारा था कि अप्लाई कर, काम हो जाएगा। तो जैसे ही मैंने आंटी को जॉब के लिए अप्लाई कराया तो आंटी की जॉब लगी, तो मुझे एक तरफ से तो निश्चिंत हो गया कि मेरे घर की रोटी परिवार, जो कि हम सुबह की रोटी खाते थे तो शाम को इंतज़ार करते थे कि आज लंगर कहाँ से आएगा, और आज गुरु महाराज की कृपा है, मेरा इतना विश्वास है कि मैं जितना भी 7 जन्मों तक उनका शुक्राना नहीं कर सकता। परिवार में मेरे कोई नहीं जाता था, क्रिटिसिज्म होता था कि क्यों जाता है, क्या हो जाएगा, तेरे दिन ठीक कर देंगे, मगर मेरी एक जिद थी कि मैं उनको दरबार कभी कभी जाना और गुरु को याद करना, सवेरे शाम नाम जपना, जो मेरी रूटीन थे आज तक है, उसका रिजल्ट है। गुरु जी कहते थे एक भी परिवार तो आएगा तो मैं पूरे परिवार का कल्याण कर दूंगा। आज गुरु महाराज की मेहर है कि परिवार में टोटल हम 5 भाई 2 बहनें, उनके 16 बच्चे हैं, 16 में से 12 बच्चे MBBS डॉक्टर हैं। आज समय के परिवर्तन का वो डिफरेंट है, कुछ डॉक्टर हैं, कुछ डिफरेंट फील्ड में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, मोस्टली बच्चे इंडिया से बाहर ही सेटल हैं, और आज गुरु महाराज का पूरा परिवार शुक्राना करता है। बीच में मैंने कई उतराइयाँ चढ़ाइयाँ, कहने उतराइयाँ चढ़ाइयाँ हर जीव ते आंदियाँ ने, अगर कृपा होए तेरी ते हसके लंघ जांदियाँ में। 2007 में गुरु जी की महासमाधि 31 मई को लेते ही संगत में मुझे एक मैसेज था कि बड़ा संभल के चलना है, समय तेरा ठीक नहीं, अंकल का एक मैसेज था, और वही हुआ। 24 अगस्त 2007 को मेरा बहुत बड़ा मेजर एक्सीडेंट हुआ लाजपत नगर जहाँ मैं रहता हूँ। मैं स्कूटर पे जा रहा था, मुझे पीछे से कार वाले ने हिट किया, मैं गिर पड़ा और मेरे ऊपर से गाड़ी निकल गई, मेरी राइट लेग टोटली स्मैश हो गई। मुझे उठा के सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट ले गए, वहाँ मेरे ब्रदर के होने वाले दामाद ट्रॉमा सेंटर में थे, अभी शादी नहीं हुई थी, उनको बुलाया तो ऑपरेशन थिएटर में थे, तो उनके जूनियर्स आए, उन्होंने मेरे को ट्रीट किया। वहाँ मेरे को उस टाइम कोई BP शुगर की प्रॉब्लम नहीं थी, वहाँ मुझे उन्होंने ट्रीट किया, मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा, तो उन्होंने कहा आपकी टांग की सर्जरी करनी पड़ेगी, टोटली राइट लेग डैमेज हो गई थी। एक हफ्ता मैं पड़ा रहा, वो लोग मेरा BP शुगर कंट्रोल नहीं कर, जो स्टेरॉइड इंजेक्शन मुझे देते थे उससे BP शुगर बड़ा ऊपर शूट करने लगा। एक हफ्ते में वहाँ पड़ा हुआ तड़पता रहा, तो एक दिन ऐसे ही मैंने अपनी आंटी को बोला जा गुरु जी दे मत्था टेक के। आंटी गई, वहाँ से एक ऐसा मैसेज गुरु जी का मिला कि इनका हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए। उसी दिन शाम को मुझे 6 बजे मैक्स हॉस्पिटल साकेत में शिफ्ट कर दिया, वहाँ शिफ्ट कर दिया। शाम को मेरे टेस्ट हुए, सुबह मेरी मेजर सर्जरी हो गई 4 घंटे की। अगले दिन जब मैं होश में आया तो मेरी आंटी से कहती हाँ गुरु महाराज की मेहर हुई है। वहाँ जब मेरा सर्जरी हुई तो सारे डॉक्टर्स की टीम आई देखने के लिए, उन्होंने परिवार से पहले एक पेपर पे रिटर्न में ले लिया था कि एक टांग छोटी बड़ी भी हो सकती है, चलने में दिक्कत आ सकती है, गाड़ी नहीं चला पाएंगे। मैंने कहा ठीक है, ऑपरेशन हुआ, मैं 6 महीने बेड पे रहा, रिकवरी हुई, गुरु महाराज के चरणों का आशीर्वाद फिर मिला, मैं मंदिर आने जाने लगा, सत्संग में जुड़ा, धीरे 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 समय व्यतीत होता रहा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स मेरी ठीक होनी शुरू हो गई थी। मगर कहते ना, अगर मेरे कर्मों का खेल था कि मैं कुएं में गिरा था, अगर मुझे गुरु महाराज ने कुएं से निकाला तो मैं खाई में गिरा, खाई से निकाला तो मैं दरिया में गिरा, और दरिया से निकाला तो मैं समुंदर में गिरा कि जिसका कोई किनारा नहीं है।
जब समुंदर में गिरे तो आपकी जीवन का अंत है। मगर गुरु महाराज ने मुझे निकाला, वहाँ से हुआ तो मेरी प्रॉब्लम्स कुछ ठीक होती थी, कुछ बढ़ जाती थी। फैमिली प्रॉब्लम शुरू हो गई, समय बीतता रहा, गुरु महाराज का अरदास करनी बैठना, यही सोचता था ये क्या खेल है। परिवार वालों को एक मौका मिल जाता था, जा और गुरुओं को जा, देख तेरा सब ठीक कर देंगे, तेरा तो पहले से ख़राब होता जा रहा है। मगर मैंने अपना विश्वास नहीं डोलने दिया। मुझे एक दिन ऐसी सारी संगत ने पूछा कि अंकल आज तक आपने इतनी परेशानियों में निकला है तो आपको कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपका विश्वास टूटो? मैं कह नहीं, मेरा विश्वास बढ़ता गया। मुझे याद था कि मुझे वो दिन नज़र आ रहा था कि जब गुरु महाराज मुझे हर कष्ट से निकाल के अपनी सेवा मिलेंगे। और बड़े लंबे समय से गुरु जी के सत्संगों में सेवा का एक मौका मिलता है। मैं और मेरी आंटी, अभी वो एज ए प्रिंसिपल रिटायर हुई हैं, हम दोनों कुछ नहीं करते, बस सत्संग की सेवा। और सत्संग में अभी मैं 3.5 महीने ऑस्ट्रेलिया हो के, उससे पहले भी लास्ट ईयर 3.5 महीने और संगत के बीच में रहे हैं, संगत में ही। तो एक बड़ा अच्छा लगता है जब इस परिवार में, ऐसा परिवार नहीं है। तो जैसे ही मेरी समस्याओं का अंत हो रहा था तो फैमिली से सुनना मिलता था कि सब ठीक होता है तो फिर ख़राब क्यों होता है? तो मैंने कहा गुरु मेरा इम्तिहान लेते हैं। इम्तिहान क्यों लेते हैं? वो देखते हैं कि मेरे नाल जुड़े है या मतलब वास्ते आया, कल चला तो नहीं जाएगा। मगर मैंने ज़िंदगी में पीछे मुड़ के नहीं देखा। आज मैं हर सत्संग में संगत में कहता हूँ कि इस दुनिया में मेरे जैसा सुखी कोई नहीं, क्योंकि उस गुरु ने वो कर्मों का, मुझे मेरे अच्छे कर्मों का, बुरे कर्मों का से निकाल कर मुझे अपने चरणों में जोड़ा। और ऐसे परिवार के साथ समय बीतता रहा, मेरा विश्वास बढ़ता गया। तो हर समय जब गुरु जी का नाम लेते थे परिवार में, उससे पहले मेरे घर बड़े माता के जागरण चौकियाँ में करवाता था। फिर जैसे जैसे समय आया, गुरु जी का सत्संग शुरू हुए, परिवार को भी पता लगा कि वाकई में गुरु ने अब मेहर किया, तो आज सारे परिवार वही। 2014 आ गया, मेरे पास मंदिर में वीकली सेवा थी, थर्सडे के दिन लंगर प्रसाद में। 2014 में दिसंबर को, दिसंबर के महीने में 25 दिसंबर को एनुअल फंक्शन गुड़गांव में मेरी सेवा थी। वहाँ से उस दिन थर्सडे का दिन था तो मैं सेवा में सुबह निकल गया, शाम को 5:30 बजे फ्री हुआ तो वहाँ से मैं बड़े मंदिर आ गया। मंदिर में मेरी रात की सेवा थी। रात की सेवा जब मैं करके जा रहा था, एक अंकल का मुझे फ़ोन आया। वो कई दिन से मुझे कह रहे थे कि अंकल, गाड़ी थी मेरे पास एक, कि अंकल नहीं गाड़ी रो, मुझे रोज़ कहना बड़ा संभल के जाया कर। मैं बड़ा सोचता था कि मैं कहा अंकल आप ऐसा क्यों कहते हैं मुझे रोज। उनको ये सारी पिक्चर नज़र आ रही थी कि क्या है और क्या होने वाला है। वो भी हुआ, मैं 25 दिसंबर को सेवा से फ्री होके मंदिर से रात को 1:30 बजे चला, 2 बजे घर पहुंचा लाजपत नगर। पहुंचा तो जाके मैं, परिवार उस टाइम मेरा इंडिया में नहीं था, मैं और मेरे गुरु महाराज जो मेरे पीछे विराजमान हैं उनके स्वरूप के साथ सुबह उठ के बैठने की बातें करना। उस दिन थोड़ा सा मुझे डर सा महसूस हुआ कि पता नहीं क्या वक्त है, अंकल भी कहते हैं और कुछ। वही हुआ, मैं और अंकल परिवार को, उन लोग सारे वैसे रूटीन में सत्संग में जाने लगे। अंकल कहीं और चले गए, मैं कहीं और चला गया मोतीनगर साइड। वहाँ पे 10 से 12 का सत्संग था। 10 से 12 के सत्संग में जब वापस आ रहा था तो हमने दोपहर को जीके वन में सत्संग में जाना था। तो भी मैं मोतीनगर से चल के जैसे ही इंडिया गेट पे पहुंचा, इंडिया गेट सर्कल जो कि 120 फुट की रोड चौड़ी है, वहाँ नॉर्मल स्पीड पे था, ज़्यादा गाड़ी भी तेज नहीं थी। अमूमन मेरे साथ अंकल होते थे, उस दिन अंकल मेरे साथ नहीं थे। तो वहाँ पहुंचा और वहाँ एकदम 7 लोग जिसमें 5 फीमेल 2 बच्चे कहाँ से सड़क पे भाग के आ गए गाड़ी के अंदर। मैंने ब्रेक लगाई, गाड़ी ने यू टर्न मार दिया और गाड़ी जाके पटरी के ऊपर लगी और गाड़ी पूरी 100% डैमेज हो गई। जो लोग आ गए थे सब तो रोड पार कर गए। मैं एक अंकल थे 42 ईयर्स के,
वो पटरी पे उनका पैर नहीं पड़ा, वो नीचे गिरे और पटरी उनके सिर पे लगी। वो 18 इंच की पटरी है उनकी, आप अगर जाएंगे तो ध्यानचंद स्टेडियम के सामने देखेंगे तो 18 इंच की पटरी है, वहाँ लगी। वो गिरे, उनको ब्लीडिंग हो गई। मैंने उतर के, गाड़ी बिल्कुल डैमेज हो चुकी थी, तो मैंने उनको साइड पे डाला। उनके परिवार के लोग थे, उन्होंने मेरे से हाथापाई शुरू कर दी कि आपने, मैं कहा वो तो गाड़ी से टच नहीं किए, मैंने तो गाड़ी को पटरी में बचाया कि आप लोग मेरे से टकराए नहीं। उन्होंने बड़ी बदतमीजी की, वो अंकल को फटाफट एम्बुलेंस बुला के उसमें हॉस्पिटल भेजा गया। भेजा गया, मेरे पास कोई नहीं था, मेरे गुरु महाराज, मैंने अंकल को फ़ोन किया, परिवार में कोई नहीं था, बच्चा नहीं था। ब्रदर को फ़ोन किया तो ब्रदर को एक ही मौका मिल गया, बड़े गुरु गुरु करदास की सत्संग तो आ रहा, देख लिया तेरा क्या हाल होया। उन्होंने आके जब साइड पोजिशन देखी तो उस अंकल की हालत का पता किया तो काफ़ी सीरियस थी। कहना और जा गुरुदेव सत्संग आई, और गुरुदेव सत्संग कर जा, उन 20 साल वास्ते अंदर उन देखा तनु गुरु तेरा बचाएगा। पहले तो मुझे बहुत बड़ा झटका लगा उनकी बात सुन के, क्योंकि मैं ऐसे किसी केस में कभी एक्सीडेंट कभी पुलिस के अंदर इन्वॉल्व भी नहीं हुआ। तो मेरे अंदर से एक आवाज़ आई, मैंने कहा अगर कोई इस केस के अंदर मेरा बाल भी बांका कर देगा तो मैं जिस गुरु को मानता हूँ मैं आपकी बात मानूंगा, उनको मानना छोड़ दूंगा। तो कहते नहीं, अभी तो तेरे को इन्होंने अरेस्ट करना है, हवालात में बंद करेंगे क्योंकि अंकल की हालत सीरियस है। वही हुआ, वो 3-4 बजे तक मैं वहीं साइड पे रहा, केस रजिस्टर्ड हो गया, पुलिस की एक गाड़ी आए, दूसरी आए, वो पड़े खड़े हुए। मेरे ब्रदर कह रहे हैं देख केस रजिस्टर्ड हो गया, अब तेरे बचने के कोई चांसेस नहीं, आज तो तू हवालात में बंद हो जाएगा। और दिसंबर का महीना था, दिसंबर के महीने में कोर्ट बंद होती है, 7 जनवरी को कोर्ट खुलनी थी, 26 दिसंबर का दिन था। मैंने कहा अगर एक रात भी कोई लॉकअप में मर जाएगा तो मैं बंद कर देगा तो मैं कल गुरु जी से नाता तोड़ दूंगा और मैं कहीं सत्संग में नहीं जाऊंगा और मैं अपनी गलती स्वीकार कर लूँगा। 4:30 बजे मुझे तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन में ले गए, और ले जाने के बाद केस रजिस्टर्ड हो गया, वहाँ उन्होंने पूछा। सुबह का मैंने वही लंगर प्रसाद लिया था, तो आपको पता है पुलिस स्टेशन में जो हाल होता है, वहाँ जाके मैं बैठा तो मैंने बड़ा गुरु महाराज को याद करके हौसला किया। तो वो कहते हैं कि आपने क्या क्या, बड़ी रैश ड्राइविंग थी, उन्होंने मेरे पे एलिगेशन भी लगाया अपने ड्रिंक में। क्या मैं तो सत्संग से आ रहा था, बहुत कुछ उन्होंने कह दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं उनको गुरु जी का सत्संग सुनाता रहा। जब भी वो कोई बात करे तो एक मैं सत्संग शेयर कर देता था, उनका ध्यान डाइवर्ट हो जाता था। इस दौरान मुझे कहने का मौका मिल जाता था कि मुझे चाय पानी तो पिला दो, क्योंकि वो बाहर जाने नहीं देते मुझे। उन्होंने ब्रेड कोड़ा समोसा जो मेरे गुरु जी का प्रसाद है वो मिलाया, मंगाया और चाय प्रसाद का भोग। मैं जो लॉकेट पहन के बैठा रहता हूँ उसी के आगे मैंने रख के गुरु जी को अरदास की कि गुरु जी बस हूँ तुसी बचाने, मेरे तय सगा भी कोई मेरे नाल नहीं खड़ा। करते 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 रात के 10:30 बज गए, वो अंकल की 8:30 बजे डेथ हो गई जिनका एक्सीडेंट हुआ था। इतना हो अल्लाह शोर पड़ गया, वो उस परिवार के लोग जो आ गए वो बेसिकली बिलोंग करते थे रांची से, वो दिल्ली घूम, क्रिसमस मनाई थी, 26 को ये हादसा हो गया। रात 10:30 बजे उन्होंने कहा अंकल को रेस्ट करो, आपने रेस्ट नहीं किया तो भी यहीं बैठे हैं। परिवार वाले भी यही कहें कि अब रेस्ट होगा तो अंदर लॉकअप में बंद करेंगे, सुबह तेरे को तिहाड़ जेल भेजेंगे, 7 तारीख के बाद तेरी बेल होगी, 15 दिन तो तेरे को अंदर जाना ही पड़ेगा। तो मेरा वही था कि गुरु महाराज की शरण में हम लोग, कोई हमारा बाल नहीं बिगाड़ सकता, एक रात भी लॉकअप में बंद नहीं करेंगे। 10:30 बजे बहुत हल्ला शोर शराबा, उन्होंने ईंटें पत्थर चलाई थाने में, संगत के लोग भी कुछ आ गए जो हमारे सेवादार थे, अंकल भी आए पूछिए। मैं कहा कुछ नहीं होगा, बस गुरु महाराज की शरण में हैं, वो अपने आप बचाएंगे। 10:30 बजे ACP DCP जब सब आ गए, SHO भी था, तो मैंने एक सत्संग उनसे शेयर किया। मैं कहा डेथ तो अंकल की हो गई, इंसान का जीना मरना आदमी जब इस दुनिया में आता है लिखवा के आते हैं, गुरु जी ने इसका कल्याण किया। वो कहते हैं कैसे, मैं कह जब कोर्ट में डेट लगेगी मैं आपको पूरा सत्संग शेयर कर दूंगा। बात चलती रही, बैठे रहे वहाँ। अब वो परिवार के लोग शोर मचाए, अंकल को रेस्ट करो। जब मैंने पूरा सत्संग उनसे शेयर कर दिया कि गुरु महाराज ने इसका कल्याण किया, कहने लगे ठीक है। 10:30 बजे उन्होंने मुझे बैकडोर से बिना किसी जमानत के, बिना किसी बेल के मुझे घर भेज दिया। एक्सीडेंट हुआ था, थोड़ी अपसेट था दिमाग,
हाथ कांप रहे थे, मैं घर आया, परिवार नहीं था, जैसे रूटीन में गुरु जी की खंड जो जलती जल रही थी, तो वहाँ आके मैंने गुरु जी को चाय प्रसाद का भोग लगा के पी के सो गया, मगर सारी रात डिस्टर्ब रहा। सुबह 27 तारीख को 9:30 बजे मंदिर मार पुलिस स्टेशन से 2 केस रजिस्टर किए, एक 279A और एक है 304। मंदिर मार पुलिस स्टेशन से जीप आ गई, वो भी जीप में भी वही 7 लोग, मेरे घर के बाहर पूरे मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए, क्योंकि परिवार का कोई यहाँ था नहीं। उन्होंने मेरे ब्रदर्स वगैरह को फ़ोन कर दिया कि उसको जीप आ गई है पुलिस की, क्या बात है। उन्होंने बताया ऐसे एक्सीडेंट हुआ है, तो शायद इंक्वायरी पे आए होंगे। वो बैठे आके मैंने उनको जय गुरु जी बोला, भाई से बोला चाय बनाओ, और चाय बना के उनको गुरु जी को भोग लगा के उनके आगे नमकीन बिस्कुट वगैरह जो अब रूटीन में रखते हैं वो रखे। उन्होंने कहा कि अंकल आपको कल से ढूंढ रहे हैं, आपको अरेस्ट करना चाहते हैं, आप छुपते फिर रहे हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ। मैं कहा मैं तो कोई छुपता फिर नहीं रहा। कहते आपको पता है जिस अंकल की डेथ हुई उनका इस समय पोस्टमार्टम चल रहा है, और हमें ऑर्डर हुए हैं कि आपको अरेस्ट करके लाना है। मैं कहा मैं तो खुद चलने को तैयार हूँ, आप मुझे अरेस्ट क्या करेंगे, या तो मैं भाग गया हूँ साइड से। वो बैठे रहे, मैं उनको गुरु जी का सत्संग शेयर करता रहा 3.5 घंटे। वो मेरे पास बैठे रहे, मैं गुरु जी के सत्संग और सत्संग उनसे शेयर करता रहा। 3.5 घंटे बैठने के बाद वो हथकड़ी 7 लेके आए थे, जीप 7 थी। वो ये कहते अंकल आप बैठो, हम आपको नहीं ले जा सकते, हम जा रहे हैं। बैठ गया, परिवार के लोग हैरान थे। मैंने उनको एक ही बात याद दिलाई कि कल मैंने कहा था कि अगर 1 घंटे के भी लॉकअप में बंद कर देंगे तो मैं गुरु जी का वो नाता तोड़ दूंगा, जिसमें आप लोगों को इतराज़ होने सत्संग में जाने के लिए। वो बड़े हैरान थे, कुछ कह नहीं सकते थे, क्योंकि कृपा किसकी चल रही थी, मेरे गुरु महाराज की। वो चले गए, मैं बैठा रहा। 3:30 बजे फिर मुझे एक फ़ोन आ गया मंदिर मार्ग से कि अंकल आपको लेने भेजा था आपने उनको टाल मटोल करके। मैंने कहा कुछ नहीं, मैंने कोई टाल मटोल नहीं किया, मैंने सत्संग सुनाया, वो ले नहीं गए, मेरे लिए क्या हुक्म है। मैंने अपने ब्रदर्स को बताया, उन्होंने कहा कि ये तिरपा बुला रहे हैं पुलिस स्टेशन। उन्होंने कहा पुलिस स्टेशन आ जाओ। मैंने कहा ठीक है, मैंने ब्रदर्स को बताओ। कहते मत जा, तू अंडरग्राउंड हो जा, क्योंकि अगर अब तू वहाँ जाएगा ये तेरे को अरेस्ट करेंगे और तेरे को 7 जनवरी तक तिहाड़ में रहना पड़ेगा, उसके बाद तेरी अगर बेल हो गई नहीं तो। मैंने कहा नहीं गुरु महाराज ने जहाँ इतनी कृपा किया, मैंने कहा अब तो मैं ज़रूर जाऊँगा। इस सत्संग के दौरान एक सबसे बड़ा वाक्या ये है कि 15 दिसंबर को बिना किसी ऑर्डर के मेरे पास 2-2 गाड़ियाँ थी। एक गाड़ी कहाँ से गुरु जी ने भिजवा दी मैं आज तक नहीं, वो गाड़ी आज भी मेरे पास है। न्यू ब्रांड गाड़ी सिटी बैंक वाले आके खड़ी कर गए कि अंकल ये आपके लिए है। मैंने कहा किस बात की, तो उनका बाद में होगी बात। वो गाड़ी 15 कहते हैं ना, बिन बोलियाँ सब कुछ जानता, किस आगे करिए अरदास। गुरु जी न्यूज नोज एवरीथिंग कि मेरा एक्सीडेंट होने है, गाड़ी नहीं होगी, सत्संग पे कैसे जाएगा, अंकल साथ होते हैं वो भी बुजुर्ग हैं। 15 दिसंबर को एक गाड़ी भी आ गई थी। मैंने कोशिश की कि गाड़ी उठा के जाऊँ, मगर मेरे हाथ कांप रहे थे, मैं नहीं चला पाया। मैंने गाड़ी को ऐसी तिरपाल से ढक दिया और मैं ऑटो पकड़ के मंदिर मार चला गया। परिवार के लोग रोकते रहे, सिस्टर मेरी कहा कि मत जाओ आप, 2-4 दिन इधर उधर हो जाओ। मैंने कहा नहीं, मैं वहाँ गया, वहाँ SI थे, SHO पूरा स्टाफ मुझे देखा, बड़ी ज़ोर से चलाए कि अंकल कल 1:30 बजे का एक्सीडेंट हुआ है और अभी तक आप अरेस्ट नहीं हुए, आइए आपको अरेस्ट करने। मैं अपना गुरु जी की लॉकेट ऐसे ही जो ये पट्टा बांधता हूँ, गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स हैं, ना किसी कोरोना को आने देता है ना किसी परेशानी को पास आने देते हैं, ये गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स हैं मेरे से। मैं चला गया और जाने के बाद बहुत चिल्लाए वो मेरे पे। मैंने कहा चिल्लाने की ज़रूरत नहीं, मैं आ गया हूँ, आपने जो कार्रवाई करनी है करो। वही 3:30 का बैठा वहाँ, रात को 6:30 बज गए। 3 घंटे पूरा स्टाफ मंदिर में पुलिस स्टेशन का, आज भी वो याद करते हैं कि सत्संग और सत्संग में शेयर करता रहा। 6:30 बजे आई हो जी थी, उन्होंने कहा हमें तो समझ नहीं आता आपको किस एंगल से अरेस्ट करें। मैं कहा आप अरेस्ट करो, अपनी कार्रवाई करो, सत्संग तो मेरे गुरु महाराज के हैं। वो सत्संग की कृपा ये हुई कि 6:30 बजे उनको कहना पड़ा
कि अंकल आप वापिस जाओ। मैं आ गया, परिवार के लोग हैरान थे, सबकी आंखों में आंसू थे कि आज भी आ गया। मैं क्या, मेरी सारी कष्टों से गुरुजी ने मुझे निकाल दिया है, अब मेरे को कोई मेरी तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता। स्थाई श्री कैसे ही रूटीन में अंकल से बात हुई, कहने अंकल सत्संग से जाना है। मैं क्या, अंकल जाएंगे, मगर सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि मेरे पास गाड़ी भी हैं दो दो, मगर मैं ड्राइव नहीं कर पाऊँगा, मेरे हाथ कांप रहे हैं आज तक, क्योंकि मेरी लाइफ का फर्स्ट एक्सीडेंट है। स्थाई श्री सुबह 10 बजे हम ओला कैब करके, टैक्सी करके सत्संग में चले गए। दिन निकल गया, शाम हो गई, आगे रात को लेट आते थे, दो दो ढाई ढाई बजे सत्संग थे। उस दिन मैं शाम को 7 बजे आ गया। 7 बजे आया तो मुझे संगत के फ़ोन आए कि अंकल हमें पता लगा है, कई लोग आ गए मेरे से मेरा दुख शेयर करने। मैंने कहा कोई बात नहीं, गुरु महाराज की कृपा है। तो संगत में बेटियां हैं, बड़ी प्यारी संगत है गुरु महाराज की। तो एक आंटी हैं इधर सिद्धार्था एक्सटेंशन में, बेटी के रूप में वो आ गई, कहती अंकल आप अकेले हो, आप नर्वस हो गए, तो कल आपका आपने मेरे घर सत्संग में आना है, तो आज आप आज ही चलो। मैंने बड़ा उनको एग्रह किया, कहते नहीं, वो मुझे रात को ही अपने घर ले गए। मैंने वहाँ 28th December मेरा बर्थडे था, उन्होंने सत्संग सेलिब्रेट किया था, कई जगह संगत नहीं की। मैं वहाँ चला गया, लंगर प्रसाद बनाया, सत्संग में जो मेरी भूमिका थी वो निभाई। मैं शाम तक वहाँ रहा, शाम को घर आ गया। 28 तारीख निकल गई, 29 तारीख को अंकल का फिर फोन आया कि अंकल क्या प्रोग्राम है। मैं कह अंकल सत्संग पे जाएंगे, बाकी जो गुरु महाराज की कृपा है मेहर है, जैसा उनका हुक्म आएगा। कहते हैं पुलिस कार्रवाई, मैं कह वो तो वहीं के वहीं रह गई। 29 को भी सत्संग में गई। 30 तारीख को एक सत्संग फर्स्ट ऑर्गेनाइज किया था कुल्लू मनाली में, फर्स्ट सत्संग होता कुल्लू मनाली में। दिल्ली से 6 बसेस थी, 20 टेम्पो ट्रेवलर थे और संगत की गाड़ियाँ। 30 तारीख शाम को हम वो ग्रुप के साथ ऑर्गेनाइज सब ने मिल के किया था रोहिणी से, वहाँ हम लोग कुल्लू मनाली चले गए। 31 को पहुँचे, दोपहर को थके आ रहे थे, बैठ गए वहाँ, स्नोफॉल हो रही थी। 31 रेस्ट किया, रात को अपने अपने रूम में ही सब ने सत्संग किए, काफ़ी थी वहाँ पर। सिर्फ टिकटें हमें बस की 1800 रुपये की पे करनी थी, बाकी सब जो अरेंजमेंट था, रूम, जल प्रसाद, चाय प्रसाद, बेड टी, लंगर प्रसाद, नाश्ता, वो सब उनकी तरफ से था। हम चले गए वहाँ 31 को, वहाँ पहला सत्संग कुल्लू मनाली में बड़ा एक होटल में किया। उसके बाद तो 2-3 दिन 4 दिन वहाँ रहे, सत्संग चलते रहे। जिस टाइम मैं कुल्लू मनाली के लिए जा रहा था तो मैंने परिवार में बताया मैं कुल्लू मनाली जा रहा हूँ, तो मुझे परिवार वालों ने कहा तेरा एक्सीडेंट हो गया, इतना बड़ा केस रजिस्टर्ड है, अगर तू अब चला गया और तेरे उन्होंने अगर नॉन अवेलेबल वारंट इशू कर दिए और तेरे को हथकड़ी लगा के लाएंगे कि अच्छा लगेगा संगत में। पहले तो मैंने सोचा नहीं जाता, फिर मेरी एक जिद हो गई कि मैं रोज तो सुन रहा हूँ ये होगा, अरेस्ट हो जाओगे, अंदर चले जाओगे इतने दिन में। मैंने कहा अब तो मैंने जरूर जाना है, और मैंने सेवा भी ली थी संगत को, अरेंज किया हुआ था, संगत का अरेंजमेंट किया हुआ था। मैं कुल्लू मनाली चला गया, वहाँ से हम 6 तारीख को आए, बड़ा नॉर्मल। मैं फ़ोन पर इन टच था अपने ब्रदर वगैरह से, संगत क्यों कहते कुछ नहीं हुआ। 6 तारीख को आया, मैंने रेस्ट किया। 7 तारीख को मैं सुबह पटियाला हाउस कोर्ट चला गया, वहाँ गया, मेरे साथ कोई नहीं था, मैं और मेरे गुरु महाराज, कोई वकील नहीं, कोई नहीं, मेरे जज साहब मेरे साथ थे। वहाँ गया, जैसे ही मैं 21 नंबर कोर्ट पटियाला हाउस, सनिग्धा सवरिया उस टाइम जज होती थी, वहाँ एंटर हुआ, तो वहाँ स्टाफ ने मुझे थोड़ा सा परेशान किया, कहते अंकल किस लिए आए हो। मैंने कहा मैं गाड़ी रिलीज कराने हूँ। कहते एक्सीडेंट हो गया, बेल कहाँ है, बेल के पेपर। मैं कहा बेल नहीं आज तक हुई, गाड़ी नहीं मिलेगी। उन्होंने कुछ और बातें भी कही जो मैं अभी सत्संग में शेयर नहीं कर सकता, तो मेरे को फील हुआ, मैं उसको एक ही बात कही, वहाँ जो रीडर था, मैं कह मैं गाड़ी रिलीज कराने आया हूँ गुरु महाराज की, मेरे से इसी लिबास में था जिसमें आपके सामने बैठा हूँ। मैंने कहा अगर आज गाड़ी रिलीज नहीं होगी तो मैं गाड़ी अपनी क्लेम नहीं करूँगा। मैं उसने मुझे बाहर खड़ा कर दिया। 10:30 बजे कोर्ट स्टार्ट हुई,
जज साहब आके बैठी, तो मैंने जैसे ही कोर्ट में दोबारा एंटर किया तो बड़ी ज़ोर से चलाया, क्या आप अंदर क्यों आए हैं? मैंने कहा गाड़ी रिलीज़ करानी है मुझे। वो जज मैडम ने पूछा आप क्या पूछ रहे हैं इनसे? कहता जी मैंने इनको 2 बजे बुलाया, ये सुबह से मेरे सिर पे खड़े हैं। मैंने कहा जी मैं नहीं खड़ा, मैं तो एप्लीकेशन लगानी है। जज साहब के सामने बोलने से पहले मेरे मुंह से इतना निकल गया आंटी जय गुरु जी, तो उधर से जवाब मिला अंकल जय गुरु जी। सारे कोर्ट में वकील खड़े भरी पड़ी खचाखच कोर्ट मुझे देख रही है कि अंकल आंटी कौन आ गए। जज साहब ने बात सुनी, 1 मिनट पे वहाँ सिग्नेचर किए, मेरी गाड़ी रिलीज़ कर दी। मैंने कहा आंटी मुझे इसको कंपनी में क्लेम के लिए भेजना है, गाड़ी को क्रेन आई हुई है। साथ ही तिलकमार पुलिस स्टेशन था, मैंने वहाँ गया, उन्होंने वो अहलमद जिसने मुझे की टोक लगाई थी उसको साथ भेजा। वो जब जा रहा था तो दिन था 7 जनवरी, ठंड बहुत थी, उसके हाथ कांप रहे थे। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? कहता है अंकल बड़ी ठंड लग रही है। दरअसल ठंड इस बात की नहीं लग रही थी, ठंड लग रही थी आंटी अंकल के रिश्ते की। ये आंटी अंकल का कौन सा रिश्ता आ गया? इनसे तो मैंने बहुत भला बुरा पहले क्या कुछ और भी। वो मेरे से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगने लगा कि अंकल आंटी लगती है। मैं कह आंटी अंकल का वो रिश्ता है वही जान सकता है जो मेरे गुरु महाराज के चरणों से जुड़ा हुआ है। मैंने कहा मैं कोर्ट में आऊँगा क्योंकि केस चलेगा, मुझे परेशान नहीं करना। वो आया गाड़ी रिलीज़ करके, मैंने आंटी का शुक्राना किया, कोर्ट में खड़े होकर एक छोटा सा सत्संग कर दिया कि गुरु जी ने उस परिवार का कल्याण किया जिसके अंकल की डेथ हुई। वो कहते कैसे? मैं कह ये मौत जब इंसान दुनिया में आता है तो लिखवा के आता है, जीना मरना खाना पीना कितना कमाना कितने बच्चे कितना कला क्लेश कितना रब से जुड़ना कितनी अरदास करना कितना लोगों का बुरा करना कितनी चुगली निंदा जो गुरु जी ने मना किया उसी का तो भुगतान है आज कि हम सारे घरों में लॉकअप हुए। मैं से ज़्यादा सत्संग नहीं इसमें कहूँगा। मैंने उनको सत्संग शेर, वो कहते कैसे कल्याण किया? मैं कहा अगर इसको कोई बस वाला मार जाता बिहार में, ये लड़ते हैं रांची में, मियाँ बीवी नदियों में कूद जाते हैं, इसको कुछ नहीं मिलना था, किसी ट्रेन के नीचे आके मर जाता। मैं कहा ये मेरा गुरु संगत के आगे, जिसकी की गाड़ी कंप्रीहेंसिव इंश्योरेंस है, मेरी LIC में थर्ड पार्टी एक्सीडेंटल कवर है, इसका गुरु जी ने कल्याण कर दिया, मौत तो इसकी होनी थी और बलि का बकरा बना मैं। उनको ये सत्संग मैंने शेयर किया कि गुरु जी ने कल्याण किया। उसके बाद ये 7 जनवरी की डेट है, 30 जनवरी की डेट लगी, मेरे उन्होंने बयान रिकॉर्ड किए तो मेरे मुंह से वही निकला कि गुरु जी ने कल्याण किया है। तो जय साहब सुन के बड़ी इंप्रेस्ड होती थी कि अंकल सत्संग में सब कुछ कह जाते हैं। उसके बाद मेरी 7 फरवरी लगी, उसके बाद 17 फरवरी, उसके बाद मार्च की 27 तारीख लगी और लास्ट लगी 7 अप्रैल की। तो 6 अप्रैल को मैं एक सत्संग में था, विकासपुरी विशाल सत्संग था, तो मैंने को उस दिन संडे का दिन था तो मैंने वहाँ सत्संग किया कि सबको पता था केस चल रहा है। तो मैंने लोगों ने कहा जी 20 साल चलेगा 25 साल चलेगा अंकल, एक बार ये अपन अंदर जाओगे बेल होगी, बड़ी लंबी रात है। मैं कह गुरु जी की यहाँ रात लंबी नहीं होती, रातें बड़ी छोटी होती हैं, बस वो देखते हैं कि इसका लगाव कितना है मेरे साथ, मेरे शीत चरणों में। लोगों ने कहा तो उस दिन मेरी अगले दिन मंडे को 7 तारीख को डेट थी, तो मेरे को 2-2 कोर्टों में पेश होना था, एक 21 नंबर में, एक मेन पटियाला, उसमें टाइम भी दोनों का वही 10:30 बजे का। तो मैंने गुरु जी से अरदास की कि मैंने कहा ये कैसे होगा 2-2 कोर्टों में नहीं पहुंचा, वहाँ एबसेंट लगते ही मेरे को समन इशू हो जाएंगे। संडे के दिन कोई कोर्ट नहीं खुली रहती, हम विकासपुरी से सत्संग करके मैं और अंकल उसके बाद हम लोग द्वारका के लिए निकले, और द्वारका के सत्संग में जाते आते मुझे कोर्ट से फोन आया कि अंकल आपकी 2 डेटें हैं कल, एक 21 नंबर में, एक मेन कोर्ट में हरीश दुदानी की, यहाँ वो कंपनसेशन के लिए थी। मैंने कहा फिर? तो कहते अंकल आपको दोनों जगह आना है। मैं कहा 2 जगह कैसे आएंगे? उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। आधे घंटे बाद मुझे फ़ोन आया, भी हम ऑन द वे थे, कि अंकल आपको एक डेट आपकी 10:30 बजे, दूसरी 12:30। तो मैं 10:30 बजे जो मेन कोर्ट में मेरी डेट थी मैं वहाँ पहुँच गया। वहाँ हर डेट पे
जिन अंकल की डेथ हुई थी, जो सबके परिवार के आते थे, उनके हाथ में हॉकी लाठियां माठियां पकड़ी होती थी, उनकी कोशिश होती थी एक अंकल पे हमला किया जाए। मैं होता था, मेरे साथ कोई नहीं होता था, मेरे गुरु महाराज अकेला, क्योंकि परिवार वाले भी नहीं थे। फिर थोड़ों को ये भी था कि ये हमारी बातों के अगेंस्ट चलता है, ये गुरु जी के हिसाब से चलता है, मैं तो उसी के हिसाब से चलना है जिसने मेरी बाँह पकड़ी है। जे तू ना फड़दा बाँह असीर उल जाना सी, अगर तू ना देंदा था असीर उल जाना सी। मैं मेन कोर्ट में पहुंचा, उनके परिवार के लोग पूरे कोर्ट के अंदर ही आ गए परिसर में। मैंने जैसे सबको इशारा किया, उन्होंने सबको बाहर कर दिया। उनकी वाइफ थी, उनका ब्रदर इन लॉ था, उसने जैसे सबको बोला मुझे खर्चे भेजने के लिए पैसे दे दो, 50,000 रुपये इनसे लेके। तो मैंने अपनी स्टेटमेंट में बताया कि ऐसे ऐसे मेरी, तो मेरे लॉयर मेरे साथ थे और जज साहब सबसे बड़े मेरे गुरु महाराज जज साहब जो मेरे साथ साथ चलते थे। उन्होंने जो डॉक्यूमेंट प्रोसीड वहां शो किए थे उसके अंदर कहा था ये लेक्चरर था, इसके इतने हैं। उस अंकल के 4 बच्चे पहले थे, 2 माँ बाप, 6, 7वीं वाइफ। और जिस टाइम एक्सीडेंट हुआ उनकी वाइफ फैमिली वे में थी, 1 हफ्ते के बाद एक बच्चा और हुआ उनके यहाँ बेटा। 8 लोग डिपेंडेंट तो उसने कहा। तो जज साहब ने जब उसकी फाइल निकाल के उसका रिकॉर्ड चेक किया तो कहते हैं आपने तो इसमें लिखा ये लेक्चरर थे, इतनी सैलरी थी, तो फिर आपको पैसे की क्या कमी है? आप कहते हैं मेरे पास खाने को नहीं है। उन्होंने फाइल ओपन कर दी, जब कंप्यूटर पे रिकॉर्ड मंगाया, हमें 2 घंटे का टाइम मिला और उस पर सारी ओपन हो गई कि ये जिस अंकल की डेथ हुई इज ओनली लेबर क्लास, जब यूनिवर्सिटी बनी थी। फेक डॉक्यूमेंट्स देने के चक्कर में उन पर उल्टा केस हो गया, उनके वकील को अंदर ही मीमो जज साहब ने इशू कर दिया और उन्होंने कहा मैं ये केस को भी फाइनलाइज करूँगा। कंज्यूमर कोर्ट के हिसाब से ये था 7 अप्रैल सुबह 10:30 बजे उन्होंने कहा ये केस को मैं सेटल करूँगा। अंकल बिल्कुल इनोसेंट हैं, मैं कंज्यूमर कोर्ट के हिसाब से 6.5 लाख रुपया कंपनसेशन दे के फाइल रिकॉर्ड है। मेरी इंश्योरेंस कंपनी की लायर भी आई हुई थी काउंसिल, उनसे पूछा तो उसने जब फाइल दिखाई तो कहती है मैं 1.30 करोड़ का क्लेम बना के लाई हूँ। एक तो कंपनी इंश्योरेंस थी, 7,75,000 की कार की, प्लस 50,00,000 की मेरी LIC के अगेंस्ट जो था। तो उन्होंने उससे पूछा कितना लाइए, तो जज साहब ने उनके परिवार से कहा अगर आप कहते इतनी सैलरी थी इतने, तो आप सैलरी स्लिप, इनकम टैक्स रिटर्न, जो डॉक्यूमेंट्स प्रोसीड करो। तो कुछ भी नहीं था, उन्होंने वार्निंग दे के 2 घंटे का टाइम दे के हमें बाहर खड़ा कर दिया। उनकी वाइफ से मेरी बात हुई तो वो लड़ने के लिए पड़ती थी मेरे को, मैंने कहा तेरा गुरुजी ने कल्याण किया, कहते कौन से गुरुजी, लॉकेट पकड़ा मैंने दिखा दिया, मैंने कहा इन गुरुजी ने, मैं कहा मौत तो होनी थी, कुछ भी नहीं मिलना था। मैंने उनसे पूछा तुम कितना पैसा लेना चाहते हो जो कि केस सेटल हो जाए, क्योंकि मैं कोर्ट कचहरी के चक्करों में नहीं पड़ना चाहता। मैं सबसे ज़्यादा तो हैरान इस बात से, उस संगत से, उन लोगों से जिन्होंने कहा था 20 साल केस चलेगा। उसने मेरे लायर को, इंश्योरेंस कंपनी की काउंसिल को बोला कि आप मुझे 20 लाख रुपए दे दो, मैं सेटल करने को तैयार हूँ। वो रोई थी चिल्लाई थी कि मेरे 4 बच्चे थे, 5वां बाद में हुआ, 2 माँ बाप हैं, 8वीं मैं हूँ। जज सबको तरस आया, उन्होंने मुझे पूछा कि आप 2 लाइनें लिख दो कि मुझे इनको कंपनसेशन देने में कोई, मैं कहा मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ये वापस भी नहीं मुझे मिलना, इनके अगर काम आ सकते हैं, इनका बेटरमेंट हो सकता है। तो मैंने वो 2 लाइनें इंश्योरेंस कंपनी के लायर को लिख के दे दी। उसने 20 लाख मांगे तो उन्होंने बताया कि ऐसे इसके पास कोई एजुकेशन या कोई इसकी परमानेंट इनकम नहीं थी, तो उन्होंने कहा मैं इस कंडीशन में इसको 32 लाख रुपये तक क्लेम दे सकती हूँ। उन्होंने 20 लाख आए थे, जज साहब को तरस आया कि 8 लोग डिपेंडेंट हैं। उसी टाइम पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर जो बैंक की ब्रांच है वहाँ से 26 लाख रुपया, 6 लाख जज साहब ने बढ़ाया, 26 लाख रुपया कंपनसेशन दे के वो केस मेरा सेटल हो गया। मैंने परिवार में फ़ोन किया, संगत कोई नहीं माना कि सेटल, कहते अंकल 20 साल केस चलते हैं, आपका क्यों सेटल हो गया। मैंने
चैन की सांस ली, गुरु जी का शुक्राना किया, कोर्ट में खड़े होकर फिर एक सत्संग कर दिया, तो जज साहब भी इस बात को मान गए कि वाकई में गुरु ने मेहर किया। नहीं तो अगर दूसरा होता कोई तो वो कुछ नहीं देता, केस चलता, लंबी जाते होती। अब एक मेरा 279 जो वाला केस था वो तो कंपनसेशन का सेटल हो गया, अब रह गया 304-1। उसके अंदर भी मेरा केस 21 नंबर कोर्ट में चलता रहा, चलने में डेटें पड़ती थी 6 महीने की, 8 महीने की, 1 साल की। तो वहाँ मेरे काउंसिल ने मुझसे कहा कि अंकल इसमें 29 विटनेस हैं आपके अगेंस्ट, ये आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। वो स्टेट वर्सेस मेरे नाम से, कुलवीर वसीम मेरा नाम है, वैसे किट्टी अंकल संगत में प्यार से बुलाते हैं। तो अंकल इसमें आप सबको मिलो और सबसे बात नहीं करो। मैंने उनको बोल एक ही बात कही, मैं कहा आज तक क्या हुआ, एक सेटलमेंट हो गया, ये भी होगा, सिर्फ रख भरोसा गुरु महाराज थे, वो केस भी चल रहा है। उसमें 29 विटनेस, जब विटनेसेस की टाइम आया आज से 2 साल पहले, तो मेरे को पासपोर्ट की परमिशन नहीं थी कि मेरा पासपोर्ट रिन्यू किया जाए, पासपोर्ट नहीं होने देते थे मुझे, दिल्ली से बाहर इंडिया से जाने नहीं देते थे। तो मैंने एक एप्लीकेशन लगाई गुरु महाराज का नाम लेके, और सत्संग मेरा कोर्ट में हूँ, बैंक में हूँ, मार्केट में हूँ, सब्जी की दुकान पे हूँ, मेरी दिनचर्या सत्संग से होती है। किसी ना किसी बहाने गुरु जी ने एक सत्संग जरूर करना होता है। वैसे तो रोज़ ही सत्संग से फुर्सती देते, उनके इतनी मेहर है, मैं कहूँ कि मैं इस वर्ल्ड में सबसे सुखी हूँ तो इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। मैंने एप्लीकेशन लगाई तो लोगों ने कहा था परमिशन नहीं मिलेगी परिवार ने, मुझे वहाँ से परमिशन मिल गई, मेरे को मेरा पासपोर्ट बन गया। पासपोर्ट बनाने के लिए मैं जब पासपोर्ट ऑफिस ITO गया, उसके बाद मुझे RK रूम भेज दिया, वहाँ गया तो वहाँ बैठ के गुरु महाराज ने फिर वही सत्संग कराया। आज गुरु महाराज की है कि वो RKपुरम पोस्ट ऑफिस का आधे से आधा स्टाफ हमारे गुरु चरणों से जुड़ा हुआ है। उसके बीच में एक लम्हा यह आया कि जहाँ मुझे कहा गया कि आप पासपोर्ट बाई पोस्ट आएगा, इतने दिन लगेंगे, और गुरु जी की मेहर यह कि मुझे बाई हैंड तो नहीं दिया, उन्होंने सुबह जाके शाम को बाई पोस्ट मुझे भी दिया, क्योंकि बाई हैंड देने का नहीं है। उसके बीच में बड़े सत्संग हैं, वो स्टेट वर्सेस केस चल रहा था, विटनेसिंग शुरू हुए, सबने कहा उनको कुछ दो लो वो आपके पे, मैंने कहा जो कुछ करना है मेरे गुरु महाराज ने करना है, मैंने कुछ नहीं करना। 29 विटनेस थे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो सबको था ही है। तो उसमें उन्होंने क्या लिखा था विटनेसेस में, क्या दी थी स्टेटमेंट कि अंकल दिन का टाइम था, आ रहे थे, अंकल ने पूरी शराब पी रखी थी, गाड़ी से बोतलें भी मिली हैं वो, मैंने कहा मैंने जिंदगी में कभी टच नहीं की, शराब भी मिली, हाँ कभी वो कहीं ली बच्चों के हुआ तो वो, तो खैर मैं गुरु जी से माफ़ी चाहता हूँ, मैं इतनी ठंड में जाता हूँ इंडिया से बाहर, आज तक वहाँ नहीं रखती थी। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कोई बात नहीं, वो विटनेसेस में लिखा कि अंकल इस कंडीशन में थे, उस बहुत कुछ लिखा। और जब मैंने IO से बात की तो कहते हैं अंकल हमने तो कुछ भी नहीं किया, हमें तो जो पुलिस स्टेशन में कंप्यूटर ऑपरेटर होता है जो फर्स्ट आपकी FIR दर्ज करता है, हमें जो वो कॉपी भेजते हैं हम उसी को हमने सबको फॉरवर्ड कर दी है। तो जब एक एक की विटनेस मुझे कहा था, तो जब वहाँ विटनेस स्टार्ट हुई तो पहले विटनेस जो थे वो IO ही थे, उन्होंने एक ही बात कही कि हमने तो कुछ नहीं लिखा, जो हमें कंप्यूटर ऑपरेटर ने कॉपी हमने वही फॉरवर्ड कर दी, और जितनी भी थी उनकी दी हुई स्टेटमेंट सारी नल एंड वॉइड हो गई। वो एक केस फॉर्मेलिटी है, मुझे पासपोर्ट बन गया। मैंने बाहर जाने के लिए कहा तो मुझे कहते हैं आप बाहर नहीं जा सकते, मैंने उनको बताया ऐसे ऐसे मेरी डॉटर भी है, मेरा संगत परिवार है, मैं जाना चाहता हूँ। तो आज से 2017 में पहली परमिशन मिली, मैं फर्स्ट टाइम गया 3.5 महीने के लिए, अभी मैं 19 में 3.5 महीने के लिए और संगत में रहा हूँ। उसमें बड़ी कृपा है गुरु जी की, इतना प्यार मिलता है संगत का। वो केस एक फॉर्मेलिटी से चल रहा है। अभी मुझे आया जब मैं 15 मार्च को इंडिया वापस आया, 18-19 से लॉकडाउन शुरू हो गया, तो मेरी अप्रैल की डेट थी, तो मुझे बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा कि अंकल ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, इतनी सेवा कर दो, केस ख़त्म हो जाएगा। मैं कहा कोई कुछ नहीं करेगा, जो कुछ करें मेरे गुरु महाराज। वो केस लास्ट स्टेज पे अपना ICU में पड़ा हुआ है,
तो बहुत कुछ उन्होंने कहा तो मैं हंस देता था। मैं कहती गुरु जी तुसी मनु वो रंग दिखाए कि जिस रस्ते में थोड़ा गुणगान बिने बिना रह ही नहीं सकता। और उसमें बहुत कुछ हुआ, वो डेट पे डेट, डेट पे डेट, वो कहाँ अप्रैल और कहाँ जुलाई है, तो वो भी क्या है कि एंड के ऊपर है। मुझे पता है वो केस क्लोज होने जा रहा है। तो जब मैंने लगा तो बीच में बड़े ऐसे ऐसे सत्संग हुए कि जहाँ मेरे से केस से रिलेटेड बड़े लोगों के घर आना जाना हुआ, तो उन्होंने एक ही कहा अंकल चिंता क्यों, गुरु जी है ना, तो आज उस केस की पोजिशन है। और जब से लॉकडाउन हुआ है मेरी एक संगत से गुजारिश है, मुझे आप कहीं भी बुलाएंगे सत्संग के लिए मैं आऊँगा, सिर झुका के सिर के बल चल के, सिर्फ आपने मुझे एड्रेस देना है और कोई इसमें चार्जेस नहीं कुछ नहीं। अब जिस टाइम अभी मैं घर पे हूँ लॉकडाउन में हूँ, तो उसमें भी एक गुरु जी ने सेवा दी है, मैं अपने मुंह से नहीं कहूँगा, संगत को पता है। और मैं जब उसका उनको याद करता हूँ, अपने दिनों को याद करता हूँ कि रात का लंगर नहीं था, वो आज लंगर बांटने की एक सेवा दी है, तो देख के खुशी मिलती है। परिवार में बच्चे सारे सेटल हैं, बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं, आंटी रिटायर, आंटी का भी। तो इसके बीच में बड़े सत्संग हैं, एक सत्संग और शेयर करूँगा, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्राना। दूसरा सत्संग में अभी स्टार्ट करता हूँ थोड़ा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी ने जब मेरा 90 के बाद मेरे दिन ठीक करने शुरू किए, परिवार मेरे अपने परिवार को तो विश्वास हो गया था कि गुरु जी मेहर करते हैं, तो मेरी आंटी जो हैं पहले टीचर थी, फिर वाइस प्रिंसिपल, फिर प्रिंसिपल बनी, तो उनको रूमेटिक एथराइटिस की प्रॉब्लम हो गई। हमारे पास ए क्लास कैट फैसिलिटीज़ है हॉस्पिटल की, अपोलो, मैक्स, फोर्टीज, स्कॉट्स, कहीं भी जाए, लाइफ टाइम मेडिकल कार्ड है। कुछ आंटी की वजह से, कुछ बच्चों के डॉक्टर होने की वजह से फैसिलिटीज हमें मिली है। तो आंटी जॉब करती थी, तो थ्राइटिस की प्रॉब्लम अक्टूबर का महीना स्टार्ट होते ही आंटी की हवा ख़राब हो जानी। सुबह मैंने स्कूल छोड़ने जाता था आंटी को, तो आंटी ने एक ही बात कहनी, मेरी तो सांस भी नहीं आ रही है, इतनी पेन है मुझे। तो बच्चे उस टाइम मेडिकल कर रहे थे, मैंने बच्चों से पूछा, डॉक्टर से पूछा, वो कहते हैं अंकल इसका कोई इलाज नहीं है, दवाई खाते चलो, वो कहते हैं पहाड़ा पढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो। मेरी बिटिया भी बाहर है, मैंने उससे पूछा, वो उस टाइम मेडिकल कर रही थी, तो कहते पापा इसका कोई इलाज इलाज बीमारी है। तो मैंने कहा ये सारी ज़िंदगी ऐसे ही तड़पेगी जैसे तड़पती है सुबह, अक्टूबर के महीने में बॉयल्ड पानी से नहाना, दशहरा हॉलीडे के बाद अक्टूबर में खुलते थे तो बॉयल्ड पानी से नहा के जाना। तो आंटी का स्कूल पास में था साउथ एक्सटेंशन में, तो आंटी से मैं फ़ोन पे टच रहता था, तो मैंने पूछना, तो कहते हैं 2012 की है सत्संग है। तो आंटी मुझसे यही कहे कि मैं तो बचूंगी नहीं, मेरे को तो हो जाएगा, मैं तो चंद दिन की मेहमान हूँ, दवाइयाँ भी खाती हूँ फिर भी तड़पन होती है, स्कूल से आना, घर का काम मिलजुल के करते थे, अब आज जब आंटी एब्सेंस में कर देता था शॉप पे भी जाना होता था, तो सब कुछ ही एक चार चपाती आंटी को बनानी होती थी। तो एक दिन ऐसे ही मुझे आंटी का स्कूल से फ़ोन आया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, आप आ जाओ। मैंने कहा ये तो रोज़ का है, तूने पता भी है दवाई खानी है चलता है, अब इसका कोई इलाज तो है नहीं, मगर एक दिल में आवाज़ थी कि गुरु महाराज इस चीज़ का भी इलाज करेंगे, जो कि कहीं नहीं था। आज पूरी संगत हैरान है, वो अंकल बहुत पुराने जो गुरु जी सड़े वो भी कहते हैं किससे बड़ी मेहर नहीं हो सकती। मैं शॉप पे था, मैंने थोड़ा अवॉइड किया, दोबारा इसकी कुलीग का फोन आया कि अंकल आ जाओ, आंटी तो शायद आज बच नहीं पाएंगी। मैंने कहा इतनी क्या बात होगी, मैं यूसुफसराय में था, आंटी साउथ एक्स में थी स्कूल में। मैंने आंटी को स्कूल से पिक किया, मैं शॉप पे ले आया, 10 मिनट रुका, मैंने वहाँ बच्चों लड़कों को काम बताया,
मैं ले कर आंटी को पंचशील पार्क मैक्स हॉस्पिटल की एक छोटी ब्रांच है वहाँ ले गया। वहाँ जाके सारे टेस्ट वेस्ट कराए, वहाँ जाके उन्होंने डी कम्प्लेक्स का एक इंजेक्शन दे दिया, पेन किलर। बेटी बाहर थी, मैंने उससे बात की, कहती पापा इसका तो ऐसे ही है, पता नहीं कभी दर्द ज़्यादा कभी कम, जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी मम्मी परेशान रहेगी। मैं एक अरदास करते हुए गाड़ी चलाता हुआ वहाँ से निकला, सोमवार का दिन था, मैं गुरु जी के आश्रम चला गया। आश्रम में मैं जाते आते रास्ते में सोच रहा था किसको इतनी तकलीफ है, इलाज इसका है नहीं, और ये कब तक हमें देखना है, अभी बच्चे सेट भी नहीं है। तो जैसे ही आंटी मेरे साथ थी, शब्द चले हुए थे गाड़ी में, तो फतेहपुर बेरी की मार्केट के पास पहुंची तो मुझे कहती हैं, वहाँ एक रमेश स्वीट शॉप थी, तो कहती है मुझे जलेबी खानी है। सुबह 10:30-11 बजे का टाइम था। मैंने कहा हम बड़े मंदिर जा रहे हैं, हम वापसी पे जलेबी देखेंगे, खानी है अभी तो पहले मंदिर जाएं, फिर रश हो जाएगा, फिर दर्शन करने में टाइम लगेगा। तो मेरे दिमाग में उल्टे सीधे विचार कि पता नहीं क्यों आज जलेबी है ना, ये मीठा ज़्यादा खाती है, क्या वजह है। उसके बाद मैंने बात करके अपना शब्द सुनते हुए जा रहा था बड़े मंदिर, जैसे एंट्री की, अंदर पार्किंग में गाड़ी लगाई। गाड़ी लगाने के बाद हम आंटी ना झुक सकती थी ना बैठ सकती थी ना लेट के माथा टेक सकती थी, सारी बॉडी में पेन रहती थी। गणेश जी की मूर्ति पे माथा टेका, अंदर समाधि पे माथा टेका मैंने लेट के, आंटी ने खड़े होके, जैसे ही शंकर जी की मूर्ति के पास पहुंचे तो एक आवाज़ आई कि आज तेरी समस्या का निदान मैं कर दूंगा। एक अंदर से ख्याल सा मुझे आया, मैं 5 मिनट तो घबरा गया कि ये कैसे निदान, उल्टे सीधे विचार की कुछ हो ही ना जाए। अभी आंटी खड़ी हुई थी, मैं झुक के माथा टेक बैठा था, आंटी तो टेक नहीं पाती थी, वो ऐसे ही हाथ जोड़ के खड़ी थी। तो जो शंकर जी की फाउंटेन के अंदर मूर्ति स्थापित है उसमें शेषनाग का फन है, उसके सेकंड फन से रिफ्लेक्शन निकली 7 दफ़ा, कभी ब्लू कभी वाइट कभी रेड कभी येलो कभी ग्रीन, लास्ट में पिंक निकली, और ओवल शेप में आंटी को ऐसे पढ़ के, आंटी को मुझे कहा देखा आपने मुझे रिफ्लेक्शन, तो कहती है हाँ, वो साइंस टीचर है मैथ्स की, तो उसको एक गवा कहती है नहीं ऊपर कोई लैंप लगा शायद वो घूम रहा है। मैंने कहा नहीं, आज गुरु जी ने तेरे पे मेहर की है। तो आंटी का विश्वास नहीं बना, मैं सीढ़ियाँ चढ़ के आंटी का हाथ पकड़ के अंदर ले गया सत्संग हॉल में जहाँ माथा टेक के बैठते हैं। मैंने माथा क्या लेट के टेकता, आंटी मेरे से पहले ही लेट के आंटी ने माथा टेक दिया। मैं हैरान, कहती है आपने मुझे कहा था कि मेहर होगी, हो गया विश्वास, कहती है हाँ। हम बैठ गए वहाँ, आधा घंटा बैठे, पूरा जाप किया, ज़मीन पे नहीं बैठ सकती थी, पालती मार के बैठी वहाँ, माथा टेक के गुरु जी का शुक्राना करके हम बाहर निकले। तो तब ये पीछे वाला चाय प्रसाद का हॉल नहीं था, जो साथ में विंडो है सीढ़ियाँ उतरते सत्संग हॉल से जहाँ गुल्लक के बाद, वहाँ खिड़की में लाइन में लगे हुए थे, मैं आगे था, आंटी मेरे पीछे थी। तो जैसे ही मैंने प्रसाद लिया तो मुझे मिला लड्डू समोसा और चाय। मैं आगे चलने लगा तो सेवादार कहते अंकल आप आगे आ जाओ, आंटी को कहते रुक जाओ प्रसाद आ रहा है। जब आंटी का नंबर आया तो आंटी को मिला जलेबी और समोसा, आंटी देख के हैरान। उसके बाद आंटी की आंखों में आंसू नहीं रुक रहे थे, हम वहीं पर वो सामने जो पत्थर का फर्श बना हुआ है वहीं पर साइड में वो जो पटरी सी है वहाँ हम बैठ गए। तो मैं यही बात कर रहा था, लोगों ने मेरे से कई मिले, कहते अंकल आज आपको पता है रिफ्लेक्शन पड़ी आंटी पे, मैं कह गुरु जी की मेहर हुई है।
मैंने संगत के साथ बैठ के वहाँ सत्संग किया। मैंने बताया कि आंटी को ये प्रॉब्लम थी। मैंने जब रास्ते में वहाँ से चाय प्रसाद लेने के बाद हम जब वापस आ रहे थे, अब तो बाहर से आना पड़ता, तब अंदर से ही आ रहे थे, गेट के पास से अंदर से ही आ रहे थे, तो मैंने आंटी से पूछा तेरी पेन का क्या हाल है। कहती आज तो पेन नहीं है। साथ एक क्लॉज ये भी लगा दी कि वो इंजेक्शन का असर है तो वो तो 4 दिन रहता है। मैंने कहा आज मेहर हो गई है गुरु महाराज की, अब तेरे को दोबारा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कहते हैं नहीं, मुझे लगा है कुछ हुआ है, मगर हम बाहर आ गए। मैंने आंटी को बिठाया गाड़ी में और घर लेके आया। मैं शॉप से जाने से पहले मैंने आंटी को घर छोड़ के गया। मैंने कहा सारे दिन की अपनी मूवमेंट नोट करना, कितनी पेन है। कहती है नहीं वो इंजेक्शन का असर है। शाम को बेटी से बात की जो बाहर रहती, उसने कहा पापा 4 दिन इंजेक्शन का असर रहता है, मम्मी को पेन नहीं होगी। अगले दिन सुबह उठे तो गीज़र में ऑन करता था, तो मैंने आंटी को पूछा भाई गीज़र ऑन कर दो आपने नहाना है। तो कहती है नहीं आज मैं ठंडे पानी से नहाने की कोशिश करूँगी। मैं कहा कोशिश का क्या मतलब है। मैं कहा कल मैंने तेरे को एक ही बात कही कि गुरु महाराज ने कृपा की है। आंटी बड़े हैरान, आंटी ठंडे पानी से नहाया जो कि बॉयल्ड पानी से नहाती थी, स्कूल गई। सारा दिन मैं स्कूल में आंटी के साथ था। मैंने कहा क्या रहा। कहती है बिल्कुल आज मैं ठीक रही। एक दिन कहती है अभी 4 दिन भी तो हैं इंजेक्शन के। मैं कहा कोई नहीं 4 दिन, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, वो 4 दिन का समय भी निकल गया। मैंने कहा अब तो 5वां दिन हो गया। मैंने कहा चल छठा भी देखते हैं। मैं कहा 7 मेरे गुरु का नंबर है, हमने 7 दिन वेट की। 7 दिन की आंटी को पूछा कि जो तू 22 गोलियां डेली खाती थी, 7 सुबह ब्रेकफास्ट में, 7 दोपहर को लंच में, 7 डिनर में, 21 और 22वीं आंटी खाती थी नींद की कंपोज की गोली सोने के लिए। 7 दिन तो मेरे गुरु के नंबर के थे। वो दिन के बाद आंटी को लाइफ में दोबारा पेन नहीं हुई। आंटी का परिवार का इतना विश्वास बढ़ गया कि आंटी शायद मैं कोई सत्संग, वैसे तो कभी नहीं हम इकट्ठे ही जाते हैं, तो नहीं तो सबसे पहले आंटी का होता है कि नहीं गुरु महाराज ये हाजिरी। तो गुरु महाराज का लख लख शुक्राना, आप सबका बहुत बहुत शुक्राना, सब पे गुरु महाराज की कृपा बनी रहे। अभी लॉकडाउन के बाद मेरे सारे टेनेंट चले गए, जो कि मेरी आंटी की पेंशन और रेंटल इनकम से घर चलता है, नहीं है, सब चले गए। मगर वो कहाँ से दे रहे हैं, कहाँ से संगत में सेवा करवा रहे हैं। बस उनको याद करता हूँ, आंसू बहाता हूँ सुबह शाम। रूटीन एक है कि सुबह 3:30 बजे उठ के, उसके बाद जरूर सो जाता हूँ मैं 6 बजे, वो जो उनका नाम लेना है उसी में है। मैंने अमृत वेले के सत्संग भी गुरु जी ने शुरू कराए थे, मगर साथ एक क्लॉज लगा दी कि अमृत वेले से सत्संग नहीं करने, तो मैं अब अमृत वेले में नहीं जाता हूँ। हर वेले शुक्राना करता हूँ, बच्चे भी परिवार के, आज सब परिवार चढ़ती कलाओं में है। कभी लाइफ में पीछे मुड़ के नहीं देखा। कहना ना 3 लोक 9 खंड में, गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके गुरु कर जो। तो गुरु जी का और गुरु परिवार का, इतनी प्यारी प्यारी संगत का, और जो आंटियाँ सेवा कर रही हैं, मैंने उनको भी यह, और अभी जो ये एक लंगर सेवा की उन्होंने दी थी, मैं उन संगत का भी शुक्राना करना चाहता हूँ। सोनिया आंटी भी हैं, अंजू आंटी भी हैं, चांद अफजल भी, सब ने अपना योगदान देके इसको निभाया बड़े अच्छे। अब तो लॉकडाउन ख़त्म हो गया है, मगर उसके बाद भी हमारी एक इच्छा रहती है कि कोई रात को बिना गुरु महाराज के लंगर के प्रसाद के ना सोए, ऐसे ही ये परिवार चलता रहे और ये दुख की घड़ी जल्दी कटे। मगर हमें बड़े ईमानदारी से फर्ज निभाना है और हर वेले गुरु महाराज का शुक्राना करना, चाहे वो किसी भी हाल में रखे। कभी कुछ नहीं मांगा, बस गुरु घर से निकलने से पहले एक ही कहना कि गुरु जी तुसी मेरे नाल जाने, मेरे नाल आने, मेरी दिनचर्या हंसदे खेलदे इस संगत परिवार जोड़ दे तुसी करानी है, और ऐसे ही चलता रहे। जय गुरु जी, जय गुरु जी।